और सत्ता में अब आपकी सेहत से जुड़ी दो खबरें जो भारत में डायबिटीज और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से संबंधित हैं। आपको जल्द दो ऐसी किट मिलने वाली हैं जो चंद सेकंड में ये बता देंगी कि कहीं आप शुगर के मरीज तो नहीं हैं या फिर आपको कैंसर का खतरा तो नहीं है। इसमें से एक किट IIT मंडी के शोधकर्ताओं ने बनाई है जिसमें गुब्बारे में सांस भरने से ही डायबिटीज का पता चल जाएगा, जबकि दूसरी किट के प्रायोजक हैं ICMR के वैज्ञानिक, जिससे आपके पसीने से पता चल जाएगा कि कहीं आपके शरीर में कैंसर वाला लेड तो नहीं है। ये दोनों खबर आपके और आपके परिवार के लिए बहुत फायदेमंद हैं। पहली कुंजी उस टेस्ट किट पर जिसमें सांस से शुगर की जांच हो जाएगी, यानी ब्लड टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मार्केट में जल्द ऐसी टेस्ट किट आ रही है जिसमें गुब्बारे में सांस भरने से पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति को शुगर तो नहीं है। IIT मंडी ने इस किट को बनाया है और इसका नाम है नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर। दावा है ग्लूकोमीटर में सैंपल के नतीजे गलत होने की आशंका 55% होती है, जबकि इसके नतीजे गलत होने की आशंका सिर्फ 1% है। इसमें कई मल्टी सेंसर लगे हैं, इसलिए इसकी कीमत करीब 16,000 रुपए है। बड़ी बात यह कि इस किट में कुछ ऐसे सेंसर भी लगाए जा रहे हैं जो हार्ट अटैक का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। पहले शुगर वाली टेस्ट किट पर एक रील देखिए, फिर कैंसर वाले लेड को आपके सामने रखेंगे। एक नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर बनाया है जो कि आपके ब्रेथ से आपकी सांस और बॉडी वाइटल्स, ऑक्सीजन लेवल, इन सब चीज़ों की मदद से आपको बता सकता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं, और अगर आपको डायबिटीज है तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, यानी कि आपके ब्लड में, आपके खून में ब्लड शुगर कितना है। We slowly diffuse the air into the sensors, and finally we can see the readings of the sensors on N+ TV cloud. So as you can focus over here, earlier the readings were a bit stable and now it's started rising above. We'll wait for a peak and we'll wait for the readings to get stable. So we'll capture this only this much amount of data and we'll download the CSV. Now we have the data ready. Now this is the data of sensors, but parallelly we also want the data of body vitals. So we'll get the body vitals tested and then we'll perform the final test. In my case, we have 99% accuracy achieved. If you test 100 times, then only one time it can happen that you get wrong accuracy.